हेलो, गुड मॉर्निंग जुले। सबको बोलो सैंडी। जुले बोलो, जुले आप लोग कैसे हो? सब ठीक है? अच्छा बोलो ना, बोल। नहीं बोलना, नहीं बोलना, बोलो 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 बोलो। क्या हुआ? देखो कहीं जिसको मैंने सुबह सुबह बंद कर दी है, घर में पूजा है, तंग करता है मेरे को, बहुत ज़्यादा तंग करता है। थोड़ी देर के लिए बांधना, इसको बांध के नहीं रखती हूँ मैं, तो आज मैं बांध के रख रही हूँ तो रो रहा है मेरा बच्चा, है ना? रो रहा है। अच्छा 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 क्या हुआ क्या हुआ? देखो 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 कैसा तंग कर रहा है। तो गाइस, घर में आज पूजा है, कथा रखा हुआ मैंने, तो आप लोगों को कथा के बारे में बताऊंगी मैं कि कैसे कैसे हमने पूजा किया। तो छोटा सा घर में पूजा रखा है हम लोगों ने, और शैंडी को बहुत मुश्किल हो रही है आज, शैंडी को तंग हो रहा है। शैंडी मेरा बहुत तंग होता है, उसको तो बंदू नहीं करते हम, जो तो गंदे गंदे बच्चों, छोटा छोटा बच्चा। तो गाइस मैं कर लेती हूँ मैं तैयारी। हेलो गाइस, तो मैं हो गई हूँ कथा के लिए रेडी। तो ये लगाई है मैंने मैजेंटा कलर की सूट, एंड ये लगाया है मैंने हीरा। तो कथा में बैठूंगी मैं, तो आप लोगों को अभी कथा दिखाती हूँ। अभी पंडित जी आने वाले हैं। बन गई है पंजीरी और कथा के लिए, और ये बन गए हैं चने। तो अब अंदर के भी दिखाती हूँ तैयारी। हैं लक्की जी और हमारे चीकू, और ये भाभी आ गई हैं। तो अंदर भी हो गई है पूजा की तैयारी। ये देखिए, ये आम की लकड़ी है, और ये पीपल के पत्ते, और ये केला, और पंडित जी के कपड़े, और ये बैठने के लिए जगह बनाए हैं। तो शीशे में दिखा रही हूँ मैं अपने आपको हैं सबको देने के लिए, जितनी भी लेडीज आएंगी सारे को एक पैकेट में डाल देती हूँ। अपनी तरफ से तो फर्स्ट टाइम कथा करवा रही हूँ अपने घर पे, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूँ तो ये थोड़ा हिंदू ये आ जाता है कल्चर, तो ये वाला पूजा मैंने कम ही किया है। तो ऐसे पूजा वगैरह तो मैं कर लेती हूँ, बट कथा की तैयारी फर्स्ट टाइम किया है, पता नहीं कैसे हुआ होगा। अब ये पंडित जी बताएंगे, ये पंडित जी के लिए कपड़े लिए हैं, ये भी बता देती हूँ आपको। ये पंडित जी, ये पंडित जी के लिए परना लिया है, परना तो मना किया था, धोती बोला था पंडित जी ने, बट मैंने कहा देना है तो पंडित जी नाइट सूट देती हूँ, अच्छा लगा मुझे नाइट सूट, तो ये नाइट सूट लेके आई हूँ मैं, और ये परना लेके आई हूँ। तो बाकी पूजा वगैरह हवन वगैरह बाद में बताती हूँ आप लोगों को। हमारे पंडित जी ये रखा, ये रखा, ये ले लो, पंडित जी ने नहीं लिया। आपने क्या करना, आपने चाहिए भगवान्मंगलाय ీరాజాంజలమాంజల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 ాం
ओम श्री विराजिता लोका देवी तुम सुनाजिता धन्यम देवी पवित्रम गुरु साधना भद्रवंत देवी भूता
ये भूता भूमदेशदायी भूतात्मकृतारा तेन संजीवाग्यापाक्रमन्त भूतानि पिताता ध्रुवोषा सर्वेषां विरूपेण और पूजा कर्म समारभे ओम प्रतिविदेवदायी नमः प्रतिविधि मंत्र श्याद्वितं चन्दात्र मोर देवता सिनी तुषिनी विनियोगः सद्गुण वृत्तं निगिद्वा गन्धान् लेपयामि रमागन्धर्व द्वारां दुरादृशां विश्वेन्द्र भूतानां तां भूभुवि श्रियम् आगमागम गरीवानां निर्मागन्तव्यं प्रभुरिदाताया भगवान् युवात्वातः प्रतिविद्या गातु श्रीदान् बुरिदाय मानात् दीर्घाक्षं देहि ಭೂತಾನಾಂ ತಾಂ ಭೂ ಭೂ ವಿಶ್ರಿಯಂ ಮಡುಕು ಭೈರವ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಮಾ ಮೃಗ ಭೈರವ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಕುಲ ದೇವಿ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಅಗ್ನಿಶ್ ದೇವತಾ ಸವಿ ದೇವತಾ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕನಿ ಆಪ್ನೆ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಮಹ ಓಂ ಸುಮ್ಮಗ ಶ್ರೀ ಗರಂ ದಶ ಆಗ ವಿರೂ ಕರಿ ಗಂಗ ಆಲಂ ಮೋ ಸುರು ಕೋ ವಿನನಾದು ವಿನಾಯಕ ತುಮರಿ ಕೇ ದುರ್ಗಣಾ ದಿಕ್ಕೋ ಬಾಲ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಂ ಬಾ ವಿಧಿ ತನ ನಾಮಾ ನಿಯ ಪರಿ ಯಜನ ಯಾ ವಿಮಲ ವಿದ್ಯಾ ರಂ ದೇವಿ ವಾರಿ ಬಾ ವಿಧಿ ನಿ ನಿದ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮಿ ಸಂಗ್ರೇಶಿ ವಾ ವಿನದ ಸಂಜಾದೇಶು ರಾಮನ ಸಂ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ವರಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬಜಂ ಜಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಜಂದಹಿ ಅಭಿ ಸಿದ್ಧರ ಸಿದ್ಧರ ತಂಬೂಯಿ ತು ಯಾತ್ರ ಆತ್ರಿ ಇತರ ಜನ ದಿನ ನಾ ಬಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಗಲ ಮಂಗಲ ಜೀವ ವಾಸಾರಿ ಜನ ಜನ ಜೀವ ದಿನ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವರ ಆದರಗಾರಿ ಜೀವನಾ ಜೀವ ಮಂಗಲ ಜೀವ ಅಂದ್ರ ಭಗವಾನ ಮಂಗಲ ಜೀವ ಜೀವ ಮಂಗಲ ಜೀವ ವಾಸಾರ ಮಂಗಲ ಮಂಗಲ ಜೀವ 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 ಶ್ರೀಮದ್ಭುತೂಮಹಾಭೂತಾವಿಷ್ಣುರಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಅಪರಾಧೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದ್ವಾರ ಹಕಲಪೇಷ್ಟಾಕ್ಷಿತಮೇಕೃಗೀಕಮಜನೇಕಮತಿಪಿ ಭರತಖಂಡಿ ಭಾರತವರ್ಷೆ ಆರ್ಯವೃತಗಿರೀ ಶಾಂತಗಿರಿ ಬೋಲಪರಾರಿಹಿ ಯಥಾ ಯಥಾ ನಾಮ್ನಿ ಸಮಸ್ರಾಂತರ್ಗತಿ ಹಿ ಪಿಂಗಲಾನಾಂ ನಿಸಮಸ್ರಾಂತರ್ಗತಿ ಶಮದ ವೀಸಸ್ಯೇಕೇ ವಾ ಸಾಕಾಂ ನಿಶ್ವಾಲಿಶೇಷು ಅಪುಣ್ಯತಿಧಿ ವಾ ನಕ್ಷತ್ರಾಂತರ್ಗತಿ ತಿಧಿ ವಾ ನಕ್ಷತ್ರಾಂತರ್ಗತಿ ಹಿ ವಾ ರವಿಘ್ರವಾತ್ರಿಪಿತಾಯಾಂ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ರವಿಘ್ರವಾತ್ರಿಪಿತಾಯಾಂ ಚಹಂ ಯಥಾ ವಿಘ್ರವಾತ್ರಿಪಿತಾಯಾಂ ಚಾರ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ತು ವಾದ್ರಾನಾಮಿತಿ ಬ್ರಿಜನಾಮಯೋಗೀ ಕ್ಯಾ ಗೋತ್ರ ಆಪ್ಕಾ ಕೌಂಡಲ್ಯ ಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನಂ ಶ್ರೀಪಾಂ ಜಿ ಕ್ಯಾ ನಾಮ್ ಆಪ್ಕಾ मेरा नाम बुद्धि सिंह जी की धर्मपत्नी डोलमा जी के तस्य संपूर्ण परिवार से भव विप्र ब्राह्मण से द्वारा सूर्य चंद्र भौम बृहस्पति सुभृषण राव के द्वारा मंगला मंगला दान्या ब्राह्मणिपति का उल्का सिद्धा संकटा सर्वी ग्रह सुपुण्य पुण्य तेहि वान चित्रांत के देखन गौरी भोजनां दे माकुल देवी भोजनां दे भर दे का भोजनां दे ओम स्वस्ति श्री भोजनां माया जनारं दे महाज्वाला जी जनारं दे माता अम्मा जनारं दे माकुणार दे माता जनारं दे अनेक अनेक देवी देवतां दे संपूर्ण पूजा पाठ निवानां कां दे बहुत बड़े ब्राह्मण से द्वारा कायिक वाचिक मानसिक स्मार दोष निवारण तांत्रिक दे यथा यथा सत्यनारायण कथा पूजा पाठ निवारण तांत्रिक दे शांति हवन कण कर्तव्य मित्र ब्राह्मण से द्वारा यथा यथा मनोभांति फल प्राप्ति हेतु में दैनिक संकल्पितम क्रम करिष्यतः ओम जरा दे हिवे दूरंग में ज्योति गान ज्योति रिगम निर्मला शिव संकल्पमस्तु ओम गजानन भूतगणान देवितम कबीर नमो फलचार वचन मुमाजम तो विनाश कार्यक्रम नमामि ध्यानं पुष्पादकं वासनं समर्पयामि जनवो नमः ॐ हरिः ॐ महातिलकं ॐ गन्धर्वद्वारां दुरादर्शां नितपुषां करिष्यामि सुरेन्द्रभूतानां तां भूभुवि श्रियं मार्गमार्थं च देवानां निर्गमातं जगन्द्रभूतिदार्ताय युवाद्वातः प्रीविद्या गातु श्रीदानुदीरायमानां दीर्घाक्षिणं दीशाद्युमनचारीवृन्दान् ॐ वस्त्रं समर्पयामि जनवो नमः वस्त्रान्तिः जलाग्न्यं समर्पयामि जनवो नमः तिलकं ಓಂ ಗಂಧರ್ವದ್ವಾರಾಂ ದುರಾದೇಶಾಂ ನಿತಪುಷಾಂ ಗರಿಷಣಂ ಈಶ್ವರೀಂ ದ್ರವಭೂತಾನಾಂ ತಾಂ ಭೂಭುವಿ ಶ್ರಿಯಂ ಮಾಗಮಾತಂ ಚ ದೇವಾನಾಂ ನಿರ್ಮಾತಂ ತ್ರಿಜಂ ತ್ರಭುದೀತಾಯಾಂ ಮಾಲ್ಯಾದಿ ಸುಗಂಧಿ ನಿರ್ಮಾಲಕ್ಕಾದೀನ್ ವಿಭೂಯಾದಿತಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪೂಜಾತಾಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯತಾಂ ಮಹಿಷಿ ಓಂ ಕಾಂಡಾತ್ ಕಾಂಡಾ ಅತ್ರೂರಂತಿ ಪುರುಕಾಯಿ ವಾನೋ ದೂಭಿ ಪ್ರಚಂಡ ದಾಸ್ತ್ರೀಣ ಸತೀನ ಜಾ ಧ್ರುವಂ ಕುರುಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಜನಭೂ ನಮಾನ್ನ ಪುಣೀಶದಾ ಪುಣಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರಾಣಬಲ್ಲವಂ ಜ್ಞಾನವೀರಾ ಯುದ್ಧದಂ ರಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಸ ಪಾರ್ವತಿ ಓಂ ನಾಭ್ಯಾಸೀದಂ ದ್ರಂಜೀತಂ ದೋಷಂ ದದಾತ್ವ್ಯಾಂ ಭೂಮಿತಃ ಸೂತ್ರಾ ತದಾ ಲೋಕಾನ್ನ ಕಲ್ಪಯನ್ನ ಜಾಹಾಪನಿ ನಿಜಾಜಾ ಚಂದ್ರ ವಿವಸ್ಥಾಸಾನೋ ವಿಧುಫಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ವಿಧುಫಲಾಂ ದೇಹಿ ಜಲಾತ್ಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಮಹಂ
ओम हिरण्यवर्णाम मरणिम सुवर्णवेशजाम चंद्राम हिरण्यकुलदारविदुमावा पुनीत्रमहादिजमनागोलीगलीदम ईलालकुनि सिंहम दामूलम गरीयताम महाम मुद्रदरिक्नाम देशमर्प्यामि दिनवूं नमः भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने आपने ओम हरि ओम महाविघ्नेश्वराय वरदाय सुरभ्याय अलम्बूजाकिलाय सर्वकारी शुचितये श्रीमन् महागणाधिपते नमः गणपति भगवान् नाभायामि स्थापितः भगवती कुदीपी नमः कुदीपी ध्यान करना अपने ओम हरि ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा संधिवाधात्री स्वाध्याम नमस्ते जय रम देवी रामंदे जय भूतात्यारणी जय सर्वदी देवी कालरात्रि नमस्ते गौरी परमा श्री मेघा सावित्री विद्या देवी सेनादा मातरु लोक मातरादेश नाम कुलदेवता ईश्वरी सर्वभूतानां ओम ब्रह्मांडारीश्वराय नमः आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की सुनकर लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्य उत्साह संकोच का हो? नारद जी ने कहा कि प्रभु, मृत लोग में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, आप अपने कर्मों के अनुसार दुखों से ग्रस्त दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप दया रखते हो तो कृपया कर मुझे बताएं कि उन मनुष्य के सभी दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, मनुष्य के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह एवं बंधन से छूट जाता है, वहाँ व्रत में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, उस व्रत का क्या फल है और इस व्रत को पूर्व समय में किस किसने किया और किसने यहाँ करना चाहिए, कृपया कर व्रत के विधि विधान एवं विस्तार पूर्वक हो, मुझे सब सुनने की इच्छा है। भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों एवं शोकों को दूर करने वाला, यहाँ सभी स्थान पर विजय दिलाने वाला है तथा अमोघ्य वस्त्र है तथा भक्ति और श्रद्धा से जो मनुष्य किसी भी दिन सत्रे भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण से धर्मपरायण होगा और सभी सामग्री लेकर इन सबको भक्तिभाव से संपन्न होकर सदैव भगवान को अर्पण करें और अपने बंधु बांधव सहित भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें, रात्रि में नित्य आदि भजन का आयोजन करें और सदैव भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलयुग में तथा मृत्युलोक में यही एक उपाय है जिसे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोले सत्यनारायण भगवान। जाओ जाओ मैं सो जाओ जल्दी सो।
गाइस तो पूजा हो गई समापन, तो हम लोगों ने खाना खा लिया, तो अब भांजे की शादी है, उनके मूवी देख रहे हैं, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। हेलो गाइस, ये देखो गिफ्ट मिला मुझे आज, ये घर के पूजा पे ये दिया है मुझे मंजू दीदी ने और ऐना ने, बहुत सुंदर गिफ्ट है, थैंक यू दीदी। गाइस ये देखो, ये मेरी फ्रेंड ने दिए, वैशाली ने, तो ये भी बहुत सुंदर है, कॉम्बो पैक है हॉटकेस का, तो बहुत बहुत सुंदर है, थैंक यू वैशाली। और ये बतख, ये बतख तो बहुत ही सुंदर है, थैंक यू आप दोनों को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गाइस तो पूजा हो गई है संपन्न, और गेस्ट भी खाना खा के सब चले गए हैं, अब एक दो गेस्ट और हैं, वो मेरे फ्रेंड वगैरह आए हुए हैं, वो अंदर बैठे हैं, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ही ख़त्म कर रही हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताना ज़रूर, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।